वेलकम बैक गाइज, हियर आई एम हिमंत एंड यू आर वॉचिंग एचसी टेक। एंड काफ़ी बंदों ने रिक्वेस्ट की कि वीडियो बैठकर बनाओ। वैसे जमता नहीं है मुझको बैठकर बनाना, क्योंकि मेरे हाथ पैर ज़्यादा हिलते हैं, तो मुझे खड़े होकर बनाना ज़्यादा पसंद है। बट बैठकर मैंने कल जैसे कि वीडियो बनाई थी अपने दूसरे चैनल पर, तो काफ़ी लोगों को पसंद आई, इसलिए मैंने सोचा क्यों नहीं बैठकर ही ट्राई करते हैं। फिलहाल जब तक मेरे पास लाइटनिंग वगैरह और जो बाकी चीज़ें बची हुई है, ग्रीन स्क्रीन वगैरह भी लोग कह रहे थे वो सब नहीं, तब तक बैठ के काम चलाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आज की वीडियो काफ़ी खास होने वाली है, क्योंकि काफ़ी सारे बंदे आज की वीडियो का ही इंतज़ार कर रहे हैं। उनको जानना है कि मैंने कौन सा सीपीयू लिया है, क्योंकि एक तरह से सीपीयू ही सब कुछ होता है, उसी में सब कुछ होता है। मॉनिटर वगैरह बाकी सारी चीज़ें इतना मैटर नहीं करती, बट सीपीयू ही एकदम ब्रेन है कंप्यूटर का। तो वो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ कि उसमें क्या क्या है, कितने का मैंने लिया है, प्राइस वगैरह सब कुछ इसमें बताऊँगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ये बताना चाहूँगा कि वो मैंने ऑनलाइन लिया है जो gamesuk.in है। अनमोल जेसवाल नाम का एक बंदा है, उसका चैनल है यूट्यूब पर ही, उसने खुद की एक तरह से बोल सकते हो कंपनी ओपन की है, तो उससे ही मैंने लिया। रीज़न ये था कि उसको नॉलेज है, वो एडिटिंग भी करता है और गेमिंग भी करता है, तो उसको नॉलेज है कि कौन सा कैटेगरी का जो कंप्यूटर है, मतलब वो अच्छी तरह से वर्क कर पाएगा, गेम्स कैसे चल पाएंगे, कौन से नहीं चल पाएंगे। तो इसलिए क्योंकि मेरे को इतनी नॉलेज नहीं है कि एडिटिंग वगैरह के लिए कौन सा बेटर रहेगा। तो यहाँ पर हम परफॉर्मेंस तो बाद में देखेंगे ही, जब मैं गेम्स वगैरह डाउनलोड कर लूँगा वाईफाई लगने के बाद, लेकिन यहाँ पर जो जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या है। अनबॉक्सिंग भी मैं आपको दिखा दूंगा और साथ ही साथ प्राइस वगैरह भी आपको दिखा दूंगा। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले बताता हूँ इसमें क्या क्या है। सबसे पहली बात, इसमें प्रोसेसर कौन सा है। तो प्रोसेसर यहाँ पर दोस्तों इसमें है AMD CPU Ryzen 5 3600 का प्रोसेसर लगा हुआ है। सेकंड चीज़ यहाँ पर अगर बात करें तो इसमें मदरबोर्ड कौन सा है, तो वो यहाँ पर MSI का है, B450 प्रो M2 मैक्स का मदरबोर्ड लगा हुआ है। नेक्स्ट अगर यहाँ पर बात करें तो WD1TB ब्लू, जो कि स्टोरेज होता है इंटरनल हार्ड ड्राइव वगैरह, तो वो है यहाँ पर इसकी। और इस रैम वगैरह जो बात करें यहाँ पर, रैम कितनी है इसकी, तो रैम इसकी, एक तो नाम इतने बड़े बड़े होते हैं तो याद नहीं होते, साला लिखना पड़ता है। तो इसकी जो रैम है वो है जी स्किल मेमोरी DDR4 रिप जॉज 3200 MHz 1x8GB की, और इसमें यही दो है, इसकी जो क्वांटिटी है वो दो है, दो पीसेस बोल सकते हो, बाकी सारी चीज़ें एक ही एक है। और नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पर, जो कि WD ग्रीन SSD 240GB M.2 एंड ग्राफिक कार्ड, दोस्तों सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ग्राफिक कार्ड। मुझे काफ़ी कमेंट आए थे, जो कि मोस्टली बंदे सिर्फ ग्राफिक कार्ड के बारे में हम पूछ रहे थे, भाई कितने GB का ग्राफिक कार्ड है। तो यहाँ पर ग्राफिक कार्ड जो है वो इन्नो 3D 1660 सुपर ट्विन X2 RGB 6GB ग्राफिक कार्ड है, 6GB का ग्राफिक कार्ड है, जो कि बहुत ज़्यादा होता है, ऑलमोस्ट सारे गेम्स चला ही देगा, जो भी लेटेस्ट टाइटल आए हैं वो सब भी हम खेलेंगे एवर मज़े से। और क्या बचा है, इसका जो केस वगैरह है, कंप्यूटर केस होता है, वो तो NT Sports ICE 300 TG। टोटल प्राइस मैं बाद में बताऊंगा आपको। यहाँ पर अभी थोड़ा सा इसकी अनबॉक्सिंग वगैरह देख लेते हैं। अनबॉक्सिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि तब मेरे पास ट्राईपॉड नहीं था, तो मैंने जस्ट ऐसी फ़ोन से ही रिकॉर्ड किया था। और जो भी इसमें चीज़ें हैं डिटेल्ड से, मैं आपको अलग वीडियोस बना बना कर कि इसका क्या काम होता है, कितने GB की बेस्ट होगी नहीं होगी, वो सारी चीज़ें हम फिर कभी बात करें। तो यहाँ पर सिंपली अब मैं आपको अनबॉक्स करके दिखा देता हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, यहाँ पर आप पैकिंग देख सकते हो, बहुत ही बेहतरीन की है, मतलब इतनी बेहतरीन कि खोल नहीं रहा था डिब्बा। यहाँ पर टाइम पास के लिए तब तक मैंने सोचा यार इनको ही फोड़ कर मज़े लेते हैं, वैसे बचपन में खूब फोड़ा करते थे इनको। एक तरफ से खोलने के बाद भैया ये तो खोला नहीं, तो भाई दिमाग ख़राब। अब प्यार से, पहले मैं सोच रहा था यार प्यार से खोलूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन भाई दिमाग हिल गया था, मैंने कहा नहीं भाई अब तो अलग ही स्टाइल में खोलेगा, एकदम फाड़ा फूड़ी खोलेगा, नहीं फिर फटेगा। अब ये यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, स्टार्टिंग में जब मैंने अनबॉक्स करना स्टार्ट किया ही था, तो काफ़ी मैंने आधा डब्बा खोल दिया था। उसके बाद मतलब मैंने देखा यार वीडियो कैसी बनी, तो पता चला कि मैंने रिकॉर्डिंग का बटन ही चालू नहीं किया था। भाई साहब दिमाग खराब, मैंने कि ये क्या यार। फाइनली बहुत देर बाद, सच बता रहा हूँ दोस्तों, पैकिंग इतनी अच्छी थी कि मुझे बहुत टाइम लग गया इसको पूरा अनरैप करने में, और इसके कपड़े उतार दिए गए हैं अब इजीली। भैया जो सर्दी के मारे इसको स्वेटर पहनाया गया था, ये भी इजीली उतर गया है। तो अब खोलते हैं बॉक्स को। यहाँ पर इसका ये छेदा दिया हुआ है, एक्चुअली बस पकड़ने के लिए, ग्रिपिंग के लिए।
यहाँ पर अब बॉक्स ओपन हो चुका है, तो यहाँ पर भी इन्होंने ये फॉर्म वगैरह लगा के दिया हुआ है, जिससे कि मतलब गाड़ी में जब आता है धचका वगैरह लगे तो कुछ भी नुकसान ना हो, क्योंकि भाई बहुत महंगी चीज़ है और नाजुक भी है, कई बार इसका केस पिचक जाता है या अंदर का सामान टूट उट सकता है, तो इसलिए काफ़ी अच्छी पैकिंग है। फाइनली यहाँ पर बॉक्स में से निकाल लिया है और यहाँ पर ये इसकी पन्नी वगैरह उतारते हैं, उसके बाद क्या शाइन है, आर पार दिखाई दे रहा है। और अंदर इसमें 3 फैंस है, जैसे कि आपको याद होगा मैंने इंस्टा वगैरह पर इसकी फ़ोटो भी डाली थी चलाकर, तो 3 RGB फैंस क्या कमाल लग रहे थे। यहाँ पर ये पूरा मैग्नेट का दिया हुआ है ऊपर का पोर्शन, एयर फिल्टर के लिए लिखा हुआ था बॉक्स पर भी कि मिट्टी वगैरह ज़्यादा नहीं जाए, तो यहाँ पर एक्स्ट्रा फैन वगैरह आई थिंक लगा सकते हो जब आप अपग्रेड वगैरह करना चाहो अपना CPU। तब जिस तरफ से ये दोस्तों ओपन होता है उस तरफ ये ग्लास है, ये कांच है और ये इसके बोल्ट वगैरह है, अजीब ही है, मतलब कसना कसना ही है, बस घुमाने वाले हैं। तो कांच से जो अंदर का लुक है वो पूरा मस्त आता है, क्योंकि अंदर RGB लाइट वगैरह है। तो यहाँ पर ये सब कुछ इन्होंने ठूस ठास के दे दिया है कि जो जो इन्होंने लगाया है इसमें वो सब इसी बॉक्स में अंदर ही डाल दिया था। यहाँ से थोड़ा सा अंदर घुसेड़ कर कैमरा आपको दिखाता हूँ इसमें कितने सारे फ़ैन लगे हुए हैं। 2 तो ये है, 3 एकदम फ्रंट साइड में है और 2 नीचे की साइड लगे हुए हैं, और यहाँ पर सारी इन्होंने खुद ही सेटिंग करके दे दी थी, बस हमको प्लग लगाकर स्टार्ट करना था। तो ये चीज़ मुझे बहुत सही लगी, क्योंकि भाई स्टार्टिंग में मुझे तो आता नहीं है कि सेटिंग वगैरह कैसे करनी है, तो ये चीज़ बहुत सही था कि इन्होंने अपने से ही सब कुछ करके दे दिया था। इस तरफ जो मैंने कहा एक्स्ट्रा फैन लग जाएंगे, और ये नीचे वाले फैन से जो पावर का जो प्लग है वो फॉरेन वाला है, मतलब इसके लिए आपको एक अलग से चीज़ चाहिए होगी, क्योंकि भाई ये वाला इंडियंस में यहाँ पर तो नहीं लगता, यहाँ पर तो गोल छेद वाले होते हैं। उसके लिए फिर हमें नेहा जीजी से संपर्क करना पड़ा, और यहाँ पर नेहा का ये लाना पड़ा, क्या बोलते हैं इसको, जो भी बोलते हैं, तो इससे फिर वो फिट हुआ, फिर मैंने लगा कर देखा। उसके बाद गाइज यहाँ पर फाइनल लुक, यहाँ पर इस तरीके से मैंने इसको अटैच कर दिया है, और यहाँ पर बस प्लग ऑन करने की देरी है, और जैसे ही हमने प्लग ऑन किया और ये स्टार्ट हो गया, तो यहाँ पर अब ये बहुत मस्त लग रहा था भाई साहब। जिस दिन मैंने इसे स्टार्ट किया एकदम खुशी से पागल हो गए, और यहाँ पर इस साइड इसके जो लेफ़्ट साइड में ग्लास का ये लगा हुआ है, तो आर पार दिखाई देता है तो वहाँ से भी, लेकिन मैं आपको अंदर से दिखा दूँगा। और यहाँ पर टोटल इसमें 7 फैन लगे हुए हैं, भाई गर्मी का सीज़न आ गया है तो बस इसी में मुँह घुसेड़ दो और थोड़ा सा हवा मिलेगी, मस्त एकदम चकाचक पसीने से राहत। फिलहाल तो मैंने ग्लास लगाकर यूज़ कर रहा हूँ, बट गर्मी आने पर ग्लास हटा दो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और नाइट में काफ़ी अच्छी इसकी लाइट भी देखने को मिलती है। तो गाइज अब बात करते हैं इसकी वारंटी और इसका प्राइस क्या अब है। अब यहाँ पर अगर इसकी वारंटी की बात करें तो WD-1TB ब्लू जो थी वो केवल यहाँ पर इसकी 2 साल की वारंटी है, बाकी इसके अलावा जो भी चीज़ें मैंने बताई थी वो सबकी वारंटी 3 साल की है, तो इतना काफ़ी होता है, क्योंकि ऑलमोस्ट 2 से 3 साल बाद हम अपग्रेड कर लेते हैं या चेंज कर लेते हैं कई लोग कंप्यूटर, तो इतना काफ़ी चलता है। और एक और चीज़ है कि ये काफ़ी हाई एंड PC है, आप अगर नॉर्मल गेम्स खेलना चाहते हो तो कम का भी ले सकते हो, अदरवाइज आगे जो फ्यूचर में टाइटल्स आने वाले हैं वो और भी ज़्यादा हैवी आने वाले हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि साइबरपंक बहुत ज़्यादा ही हैवी गेम आया था, और आगे आपका गॉड ऑफ वॉर का भी अगला पार्ट आने वाला है, तो इस तरीके के बहुत सारे हैवी गेम्स आने वाले हैं, तो आपको अगर चलाना है तो भाई हाई एंड PC ही ठीक रहता है। अगर लो एंड लोगे तो आगे जो न्यू टाइटल्स आएंगे वो आपका दिक्कत देंगे, चलेंगे नहीं। वैसे गॉड ऑफ वॉर तो अभी PS के लिए ही एक्सक्लूसिव आता है तो वो तो आएगा नहीं, अदरवाइज जो भी टाइटल आते हैं साइबरपंक जो है वो PC में चल जाता है, तो उसको चलाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा ही हैवी PC लेना पड़ेगा, तो ऐसे टाइटल्स के लिए हाई एंड PC लेना काफ़ी फ़ायदेमंद रहता है, वरना आपको बार बार उसको अपग्रेड करवाना ही पड़ेगा। यहाँ पर अगर प्राइस की बात करें तो जो टोटल प्राइस पड़ा है मुझे PC का वो 70,000 का है, जो भी मैंने अटरम जटरम बताया सबका प्राइस मिलाकर 70,000 का ये CPU है, और थोड़ा बहुत इंश्योरेंस का उसमें चार्ज लग जाता है और शिपिंग चार्ज लग जाता है, वो एरिया पर डिपेंड करता है कि आप कहाँ रहते हो, तो उस हिसाब से 1,500-2,000 ज़्यादा लग जाता है, अदरवाइज़ बाकी सब जो चीज़ों के दाम थे उनका टोटल मिला के 70,000 ही रहा है। बस गाइज ये थी मेरे CPU की अनबॉक्सिंग, काफ़ी टाइम से आप कह रहे थे कि भैया इसके बारे में बताओ, तो मेरे एंड से तो मैंने सब कुछ बता दिया, अगर फिर भी आपको कुछ और जानना हो तो कमेंट करके मुझे ज़रूर से बताना, और नेक्स्ट आपको अनबॉक्सिंग देखने को मिलेगी
कीबोर्ड एंड माउस की, उसके बाद आपको धीरे धीरे मॉनिटर वगैरह, वेबकैम वगैरह, बाकी सब चीजों की देखने को मिलती रहेगी। कैसी लगी वीडियो दोस्तों कमेंट करके जरूर से बताना, और जितना लाइक कर सको इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, बेल नोटिफिकेशन कॉल पर प्रेस कर देना, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को। फिर मिलेंगे इसी तरह की एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।